फिर लड़ा, अब ये दोनों क्लेम करने के हमको 3 कमान दिया जाए। मामला इलेक्शन कमीशन में गया, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फाइनली सुनवाई हुई, फाइनली सुनवाई के बाद हुआ कि नहीं, जो सिंधे गुट है उसको 3 कमान दिया जाता है और जो उद्धव गुट है वो मसाल से आगे बढ़ेंगे। तो इनको पूरा अधिकार है इलेक्शन का, उसके अगेंस्ट लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, मामला चल रहा है, कोर्ट में चलते रहता है। आगे बढ़िए, ये आप सुनते होंगे आदर्श आचरण संहिता की बात। इलेक्शन जैसे घोषणा होती है आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाती है, वो तय करता है इलेक्शन कमीशन, ये काम आप कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। अगले क्लास में बताएंगे क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। उद्देश्य यह रहता है कि चुनाव सही हो, निष्पक्ष हो। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर, हाँ, ये राष्ट्रपति और गवर्नर को सलाह देते हैं कि किसी एमएलए को या एमएलए के गवर्नर के मामले में, एमएलए के मामले में गवर्नर और एमपी के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि ये योग्यता फुलफिल नहीं करता है, अतः इसको पद पर बने रहने का योग नहीं, इसको हटाया जाए। तो जैसे अभी राहुल गांधी केस में हटाया गया प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने हटाया इन्हें, नहीं वो तो अलग मामला था, नहीं वो अलग मामला था, सॉरी। इसको अभी क्वालिफिकेशन के मामले में असम के एक एमपी का एक एमपी था, नाम याद नहीं रहा है मुझे, उस पर ये आरोप लगा कि वो इंडिया का नागरिक नहीं है, नेपाल का नागरिक, वो फर्जी मतदाता सूची में नाम जुड़ाकर बन गया यहाँ का एमपी, असम से बन गया था, कामरूप एग्रह से बन गया था एमपी, वो बन गए थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप देख लेना उसको। तो शिकायत हुई, फिर इलेक्शन कमीशन ने जांच किया, जांच पाया गया कि वो भारत का नागरिक नहीं है, जबकि उसने पूरे रिकॉर्ड दिए थे, पता चला कि मूल वास्तव में जांच पता चला टीम नेपाल गई, पता चला रूट उनका वहीं से है, तो इस कारण उसको हटाया गया। इस तरह लगता है कि जो बेसिक क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करता है उसको प्रेसिडेंट या गवर्नर एमएलए को हटा सकते हैं, एमपी को हटा सकते हैं। अगर बूथ पर, अगर इलेक्शन के दौरान अगर कोई बूथ कैप्चरिंग होती है, दंगे होते हैं, इस तरह होते हैं, तो उस चुनाव को कैंसिल करने का अधिकार भी चुनाव आयोग को है। अब ये क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स तय करने का अधिकार और कितना पार्लियामेंट में या विधानसभा में कितने सीट होंगे, ये तो मैंने बता दिया आपको अभी जो चेंज हुए, ये सब हर एक विधानसभा का और हर एक राज्य में कितने विधान कितने सदस्य होंगे एमएलए और कितने एमपी होंगे, ये तय करने का अधिकार भी चुनाव आयोग को है। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर चुनाव एमएलए के 223 पोस्ट हैं और 29 एमपी के हैं, एमपी में आप देख लेना कि संख्या, तो वो सब अधिकार उन्हीं को है, चुनाव आयोग ही तय करता है। किस आधार पर तय करता है, उसके पॉपुलेशन के आधार पर और एरिया के आधार पर, दोनों चीज रहता है उसमें। अब क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स है, किसी इलेक्शन कमीशन का अधिकार है किसी को चुनाव से वोटिंग डालने के अधिकार से वंचित कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप भारत के नागरिक हो गए और 18 वर्ष के हो गए तो आपको वोटिंग राइट हो गया, अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो आपके वोटिंग राइट भी छीन लिए जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस बाला साहब केस था। बाला साहब ने क्या किया कि 1987 के दौरान विलय पार्ले मुंबई में कुछ भाषण दिया उन्होंने, किसी धर्म विशेष के विरुद्ध, इस तरह जाति के विरुद्ध उन्होंने कुछ भाषण दिया, बात शिकायत गई, लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में उनके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ, उनकी अपील उसने सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में भी उनके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इनके आप इनके विरुद्ध कार्रवाई कीजिए, बहुत गलत शब्द बोल रहे हैं ये। तो 1999 में एससी का जजमेंट आया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया कि ऐसा कार्रवाई कीजिए उन पर, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको उनका नाम मतदाता सूची हटाया और 6 साल तक चुनाव लड़ने से उनको मना किया। ये पहला इंपॉर्टेंट केस था किसी को वोटिंग राइट को छीनने के रूप में। बाला साहब ठाकरे बोले कि हमारा ये संवैधानिक अधिकार है, इलेक्शन कमीशन का अधिकार नहीं है कि हमारा वो मतदान का अधिकार छीन ले। मामला हाईकोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट तक गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो संविधान में उनको अधिकार दिया गया है इलेक्शन कमीशन को कि अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो आपके मतदान अधिकार को छीन लिए जाएंगे। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बाला साहब का केस था। पूरी चुनाव की व्यवस्था करने का काम इन्हीं का रहता है, इलेक्शन कमीशन का ही। बाय इलेक्शन हो, पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो, जो इलेक्शन में डिस्प्यूट्स होते हैं उसको दूर करता है ये।
पूरा पूरा काम इलेक्शन कमीशन का ही। चलिए आगे बढ़िए। अब जैसे चुनाव कब होना है तो गवर्नमेंट की सरकार की तरफ से एक जाता है इनको, चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट जाता है कि यहाँ आप चीफ सेक्रेटरी चुनाव करें क्योंकि कार्यकाल पूरा हो रहा है, या यहाँ से सरकार गिर गई है, राष्ट्रपति शासन लग गया है, इस कारण चुनाव कराइए। उसके आधार पर फिर चुनाव आयोग अपना डेट डिक्लेयर करता है। ये लिंक है सरकार और आयोग के बीच का। मैंने बताया आपको कि वो पार्टी को रजिस्टर करता है। दो तीन तरह के पार्टी होते हैं, नेशनल पार्टी होते हैं, स्टेट पार्टी होते हैं, इंडिपेंडेंट्स होते हैं, इस तरह कुछ होते हैं, रजिस्टर्ड पार्टी भी होते हैं कुछ। तो उसका पूरा अधिकार इलेक्शन कमीशन को ही है, उसके बारे में आपको बताएंगे अलग से। और ये तय होता है उनको कितना वोट परसेंट पाया गया, उनको वोट चुनाव में कितना मिला है, आपको डिटेल बताएंगे अभी जो हम लिख रहे हैं आपको। आपको शिवसेना केस बताया, आपको रिपीटेशन है, ये मैंने एक ही चीज दोनों कर दिए। जब ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है तो गवर्नर से या फिर प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता है आयोग कि हमें स्टाफ दिए जाएं। उसके आधार पर पूरे भारत सरकार के जितने भी स्टाफ होते हैं सब चुनाव आयोग के कर्मचारी हो जाते हैं, ताकि उसको वो सस्पेंड कर सकता है, उसके प्रति सब कुछ कार्रवाई कर सकता है। इसलिए कि सही सही चुनाव हो, कोई कर्मचारी किसी पॉलिटिकल विशेष पार्टी के विशेष में काम ना करना शुरू कर दे। जो मतदान केंद्र होते हैं उसको भी नोटिफाई करने का काम इलेक्शन कमीशन का ही है कि कहां पर मतदान केंद्र होगा। बहुत लगता है छोटी चीज है वो, लेकिन इसका नोटिफिकेशन दिल्ली से ही होता है। नेक्स्ट, जैसा आप जानते हैं पहला चुनाव 1952 में हुआ था। गणतंत्र तो हम 1950 में डिक्लेयर हो गए, लेकिन तैयारी करने इलेक्टर रोल बनाने में बहुत बड़ा काम हुआ था। मतदाता सूची जिस दिन तैयार हो जाती है उस दिन चुनाव हो जाता है। तो 1950 में गणतंत्र डिक्लेयर हुआ, उसके बाद मतदाता सूची तैयार की गई, मतदाता सूची तैयार हुई, फॉर्मेलिटीज और भी पूरी हुई, उसके 1952 में पहला चुनाव हुआ था। और उसके बाद से सब चुनाव स्वतंत्र और सब हुए हैं, मतलब फेयर चुनाव हुए हैं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी गलत काम करती है तो उसको डराने का इस पास अधिकार है, उसको बोलता है इलेक्शन कमीशन, बोल सकता है कि भाई आप सही काम करो, आप गलत कर रहे हैं, आपकी पार्टी को हम भंग कर देंगे। इसके कारण पॉलिटिकल पार्टी जिनसे डरती है, कोई गलत बयान नहीं दे, बयान देने में डरती है, कुछ गलत काम करने में डरती है कि भाई हम कुछ कहें तो इलेक्शन कमीशन में अधिकार है, अगर वो प्रूफ हो गया तो इलेक्शन कमीशन हमारी मान्यता रद्द कर देगी, उसके चुनाव चिन्ह को भी सीज कर सकती है। जैसे कांग्रेस का डिस्प्यूट हुआ बहुत आपस में, तो गाय बछड़ा शुरू में था इनका चुनाव चिन्ह, उसको सीज कर लिया गया। जनसंघ थी पार्टी, उसका दीपक था, उसको सीज कर लिया गया, किसी को अलॉट नहीं किया जा रहा है। तो चुनाव आयोग को अधिकार है कि उस पार्टी उसको सीज कर लें। अब सीज के कारण बहुत हो सकते हैं, या तो उसने कोई गलत काम किया हो, या पार्टी भंग हो गई, पार्टी टूट गई, इस तरह का जो भी हो, इलेक्शन सिंबल सीज करने का अधिकार, उन पार्टी को की मान्यता रद्द करने का अधिकार पूरा आयोग चुनाव आयोग का अधिकार है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आयोग से डरती है। ये संविधान में हमारे जो बेसिक तत्व हैं उसको पालन करने के लिए कटिबद्ध है, जो हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स हमें हर एक मतदाता को समान अधिकार देता है। जो भी 7-8 जो अधिकार हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, सबका कंप्लायंस कराने की ड्यूटी इन्हीं पर है। ये देखता है कि उसके किसी तरह का किसी को निष्पक्ष होकर मतदान करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई चुनाव लड़ना चाहता है चुनाव लड़ने कोई रोक नहीं सकता है उसे, पूरा अधिकार देता है चुनाव आयोग को कि ये काम पब्लिक को सपोर्ट करे। आगे बढ़ें, तो भारत का निर्वाचन आयोग बहुत ही वर्ल्ड में नाम कमाया है, और आपको आश्चर्य होगा बहुत से दूसरे कंट्री में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑफर आते हैं कि हमारे यहाँ आप निष्पक्ष चुनाव कराइए। तो बहुत से कंट्री में जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दूसरे जगह का चुनाव भी कराया है। किस लिए कराया है? कि ये सही काम करता है, पूरे वर्ल्ड में इसकी साख है, और बहुत से कंट्री में इसको बुलाकर इलेक्शन इससे कराए जाते हैं। ये चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टी से चर्चा करती रहती हैं और उनको उनके फिर उनसे सुझाव भी लेते रहते हैं, उनको समझाती भी रहती है कि भाई ये आप गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, और उनको जो अच्छे सुझाव रहते हैं उनको पालन भी किया जाता है। मेन वही है, इसमें मेन मतदाता को जागरूक करना कि आप वोट डाल दीजिए।
अच्छा आप सभी वोट डालेंगे तो सही रिजल्ट आएगा। अभी शिकायत ये रहती है कि एवरेज जो पोलिंग है 50% के लगभग है, बड़े लोग घर में ही बैठे रहते हैं, तो लोगों को जागरूकता करने का काम भी मतदाता आयोग चुनाव आयोग का है कि आप जागरूक करते रहिए। नेक्स्ट, अब इनके पास चुनौतियां क्या क्या हैं? इनके पास चैलेंज है कि बहुत ज्यादा चुनाव में आजकल ये सब चुनाव के समय बहुत तरह के दंगे होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इनको कंट्रोल करना। साथ ही साथ जो शिकायतें इस तरह की आती हैं कि कोई ईवीएम लूट कर ले गया, बूथ कैप्चरिंग की शिकायत है, इनको चेक करना। हालांकि इसके लिए बहुत इफेक्टिव कार्रवाई का आयोग करता है, तब भी इक्के दुक्के केस हो जाते हैं। दूसरा कि इनके जो स्टाफ इनके पास पर्याप्त नहीं है, ये भारत सरकार पर और राज्य सरकार पर निर्भर करता रहता है कि वो हमें स्टाफ दें। हम लोग अभी ये राज्य सरकार में काम कर रहे हैं, ऐसे हम लोग ऑल इंडिया सर्विस में हैं, हम लोग भारत सरकार के भी कर्मचारी हैं, राज्य सरकार भी कर्मचारी हैं और इलेक्शन कमीशन के भी हैं, हम लोग सब तरह काम करते हैं। इनका अपना एज सच बहुत कम स्टाफ है, जो भी स्टाफ हैं डिप्टेशन पर हैं, इलेक्शन के दौरान भी डिप्टेशन पर ही रहते हैं, तो उनके तरह उनसे काम कराना इनका एक है। वही है मतलब कि वो हमारी कार्यपालिका पर निर्भर कर रही हैं। अब इसमें ये भी शिकायत आती है कि इनके जो ईवीएम जो हैं उनमें कुछ खराबियां हैं, इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं। लेकिन ईवीएम के बारे में तरह तरह के लोग आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जब वो चैलेंज करता है ईवीएम के बारे में किसी को भी, आओ सिद्ध करो, तो कोई आज तक पॉलिटिकल पार्टी सिद्ध नहीं कर पाई कि इसमें क्या गलत है। कहने के लिए तो कहते रहते हैं कि हम ईवीएम के चलते हार गए, हम ईवीएम के चलते हार गए, लेकिन जब वो आयोग जब मीटिंग लेता है कि भाई आप बताइए क्या कमी आपको हम देते हैं बताइए, आज तक एक पार्टी ने भी नहीं बता पाया या ना कोई एक व्यक्ति बता पाया कि इसमें कोई कमी है। और ईवीएम जो हम लोग बनाते हैं, दो जगह मेनली बनता है, बंगलोर में और हैदराबाद में, दो कंपनी है भारत सरकार को बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो उन दोनों पूरे वर्ल्ड में बहुत कंट्री में ईवीएम सप्लाई कर रही है, सब जगह पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। और अक्सर चुनाव में होता है जो पार्टी हार जाती है बोलती है हम ईवीएम चलते हार गए, जीतने पर नहीं बोलती है कि हम ईवीएम से जीत गए। आगे बढ़े, अब जो आगे बढ़ने के लिए कुछ बातें हैं, एक तो यह है कि ईवीएम मामला तो लगभग शांत हो गया है। अब इसमें हुआ कि भाई ईवीएम पता नहीं चलता है कि हमने किसको वोट डाला। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि नहीं ऐसा आप कोई सिस्टम बनाइए जिसमें वोटरों को पता चले कि अगर वो कांग्रेस से दे रहा है तो कांग्रेस पता चले कि कांग्रेस को दे रहा है, कुछ उसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण आए, तो फिर वीवीपैट का कॉन्सेप्ट आया। वीवीपैट का कॉन्सेप्ट आया वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम, उसमें आप लोग सब मतदान डालते हैं, तो हम लोग तो उसमें डाल भी नहीं पाते थे। हम लोग उस समय 23 वर्ष थी वोटिंग एज, तब जब हम लोग ग्रेजुएशन कर लिए थे तब वोटिंग कर लो, जब एमएससी में आप पढ़ने लगे तब वोटिंग करना शुरू किए थे। तो आप लोग सब डालते हो, देखते होंगे वीवीपैट में, अब जब डालते होंगे तो उसमें आ जाता है कि आपने किसको वोट दिया, तो ये सिद्ध हो जाता है कि भाई आप जिसको वोट डाल रहे हैं ईवीएम उसी को पढ़ रहा है। और फिर ईवीएम की जो पेपर स्लिप उसकी काउंटिंग भी होती है, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे आगे, इसके बाद जो अगला क्लास होगा उसमें। तो ईवीएम शुरू किया गया है, उसको और बढ़ाया जाए, ईवीएम वीवीपैट को बढ़ाया जाए ताकि हर एक ईवीएम के साथ वीवीपैट लग जाए। ये बात अलग है कि अभी जो कर्नाटका में चुनाव हुआ या फिर 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, हर एक ईवीएम के साथ वीवीपैट लगा दिए गए थे। अभी इस तरह शिकायत आती है कि कुछ सरकारी अधिकारी और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी किसी पार्टी विशेष से मिल गए हैं और उनको लाभ कर रहे हैं, इनको चेक करना जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है इलेक्शन कमीशन में। दूसरा था कि जो 3 मार्च 2023 का आदेश मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति, कमिश्नर की जो नियुक्ति होगी उसके लिए इस तरह कमेटी बनाई जाए, तो उसके पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, आप देखोगे ARC जो लिखा हुआ है उसमें उन्होंने रिकमेंड किया है, वो पेंडिंग है कि प्रधानमंत्री हो, स्पीकर ऑफ लोकसभा हो, लॉ मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो और डिप्टी चेयरमैन हो राज्यसभा हो, इन लोग मिलकर एक कमेटी बनाई जाए, वो तय करें। लेकिन अभी इसमें एक्ट नहीं बना है, इस सुधार को अभी नहीं माना गया है, तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही व्यवस्थाएं हैं, जब तक कोई नया एक्ट या इस तरह की व्यवस्था ना हो जाए। नेक्स्ट,
नेक्स्ट। हाँ, अब ये पूरा जो नटसेल में जो हमारा हमने पढ़ाया आपको वो है कि जो भारत निर्वाचन आयोग जो काम करता है वो 324 से लेकर 329 तक है। 324 में जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्डर बहुत धारा है, आर्टिकल है, अनुच्छेद है। इसमें मैंने बताया आपको कि इलेक्शन कमीशन को बहुत पावर है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कोई भी कार्य कर सकता है जनहित में। तो जनरली होता है कि चुनाव के एक दिन पहले चुनाव सभा समाप्त हो जाती है। अभी लेटेस्ट उदाहरण बता रहे हैं आपको, तो बंगाल में जब चुनाव हो रहा था, वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहा था 2019 में, तो वहां एक दिन नहीं, दो दिन पहले उन्होंने चुनाव प्रचार बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वहां दोनों पार्टी आपस में लड़ने लगी थी बहुत ज्यादा। तो इसके लिए लोग गए हाईकोर्ट, गए सुप्रीम कोर्ट, गए कि भाई आपने एक दिन हमें चुनाव प्रचार करने दिया नहीं। तो आयोग ने कहा कि हमें 324 में अधिकार है, हम आपको एक दिन भी प्रचार करने नहीं दे सकते हैं, इतना अधिकार उनको दिया गया है। तो इस तरह के और भी अधिकार उनके पास बहुत है। उसी 2019 के इलेक्शन में एक दिन पहले, उन्होंने चुनाव के ठीक दो दिन पहले वहां के होम सेक्रेटरी को हटा दिया, वहां के डायरेक्टर जनरल पुलिस को हटा दिया कि नहीं आप इस पर चुनाव नहीं करा रहे हैं, जबकि वहां के सीएम और दूसरे लोग चाहते थे कंटिन्यू करें, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें हटा दिया। मतलब 324 के तहत ही हटाए जाते हैं जो भी कार्रवाई की। इसलिए 324 बहुत ही पावरफुल सेक्शन है। जिस तरह जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़े होंगे तो सेक्शन 1 अनुच्छेद 142 है सुप्रीम कोर्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार दिया गया है कि वो जनहित में कोई भी अच्छा निर्णय ले सकते हैं जिसमें कि कानून साइलेंट है। तो उसके तीन अच्छे दृष्टांत हैं सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे ही आपको बता दें, चर्चाएं बता दे रहे हैं। एक तो राम जन्मभूमि मामले में उन्होंने 142 का उपयोग किया, दूसरा भोपाल में यूनियन कार्बाइड के मामले में उन्होंने आदेश किया 142 के तहत। यहाँ भोपाल में राज्य सरकार गई थी कि हमें और यूनियन कार्बाइड से पैसे दिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए गरीबों को बांटने के लिए, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, जबकि इनकी मांग जायज थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि उनका अधिकार है 142 के तहत। तीसरा था कि एक कपल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पहुंचा 2014 के अराउंड, 2014 में कि हमें डिवोर्स दे दिया जाए, हम लोग आपसी सहमत हैं, हम लोग आपस में नहीं रहना चाहते हैं, तो हमें डिवोर्स दे दिया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं था। उसमें हिंदू मैरिज एक्ट के तहत प्रॉपर कोर्ट में सुनाई होती है, लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने सुना उसे और लगा कि नहीं सही बात है, दोनों रहना नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली दे दिया। तो लोग गए, लेकिन 142 में उनको अधिकार है। उसी तरह हम बता रहे हैं 324 में इनको अधिकार है इलेक्शन कमीशन, उससे आप इक्वेट कीजिए आप।